आज का वीडियो सभी छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है नवीन जी के जी इस चैनल पे तो चलिए सभी छात्र जो है फुल वॉच कीजिएगा जिससे कि आप लोग को भी पता चले और कितना दूरी है क्या है नहीं है बहुत सारा चीज़ जो है इसमें बताने वाले हैं तो चलिए देखिए अंत तक जरूर देखिएगा अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो देख सकते हैं वो वोमेन आई जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आई टी घाट पटना ये जो है वोमेन कैटेगरी का है और इसी के बगल में जो है आगे है जिसमें बॉयज़ का जो है सारा उधर जो है ट्रेड है इलेक्ट्रीसियन फीटर मोल्डर जो भी ट्रेड है उधर है ठीक है इसमें जो है सिर्फ़ वुमेन कैटेगरी का पढ़ाई होता है तो देखिए आप लोग कहते हैं जो इतना दूर है कैसे जाएंगे तो हम जो है जाते थे पहले तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये साइकिल जो है हमारा साइकिल से ही जो है हम यहाँ से जाते थे ये कहाँ से जाते थे तो वो भी बताते हैं ये जो है जीरो माइल है यानी कि पटना इसी के बगल में जो है जीरो माइल है पाँच मिनट अगर चलेंगे पैदल तो जीरो माइल पहुँच जाएंगे तो हम जो है यहाँ से जो है पढ़ाई करने के लिए जो है डेली जाते थे और जो है साइकिल से ही जाते थे लगभग जो है सोलह सत्रह किलोमीटर से की दूरी पर है ठीक है अगर लोकेशन देखते हैं तो लेकिन जो है इससे ज़्यादा भी दूरी हो सकता है लोकेशन तो जो है बाय रोड बताता है वहाँ पर दो तीन जगह से जो है जा सकते हैं ठीक है दो तीन रास्ता है तो वहाँ जिसमें कंफर्टेबल होता है लोग उस अनुसार जाता है तो जैसे हम यहाँ से जाते थे सोलह किलोमीटर से साइकिल चला करके तो आप सोच सकते हैं अगर आपका अगर कहीं भी दूरी है तो कोई दिक्कत नहीं अगर अच्छा ट्रेड मिला है तो आराम से जाइए पढ़िए तो पढ़िएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा आप ही को ठीक है और रेगुलर क्लास किया जाता है रेगुलर नहीं कीजिएगा तो फिर जो है कोई ना कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा फेल हो जाएगा तो कोई ऑप्शन नहीं रहता और यहाँ पर देखिए ये जो देख रहे हैं ये भूतनाथ रोड हो गया इधर जो है बाईपास है आपका ठीक है इधर जो है बाईपास है जिस पर जो है भूतनाथ रोड है और उससे आगे बढ़िएगा तो आपका जो है जीरो माइल आ जाता है तो ये जो है भूतनाथ रोड होते हुए हम जो है फिर कंकड़बाग मेन रोड पे जाते हैं और उसके बाद फिर जो है बहादुरपुर पार करते हैं स्टेडियम होते हुए राजेंद्र नगर होते हुए नाला रोड होते हुए हम जो है इधर से गांधी मैदान होते हुए गोलघर क्रॉस करते हुए राजा पुल क्रॉस करते हुए कुर्जी मोर क्रॉस करते हुए जाते हैं ये जो है भूतनाथ में जो है बीच रोड पर जो है मंदिर है माँ दुर्गा का ठीक है तो चलिए यहाँ ये जो देख रहे हैं भूतनाथ रोड हो गया तो ये सब चीज़ जो है इतना दूर से जो है साइकिल चला करके जाना और पढ़ना डेली तो आप लोग सोच सकते हैं जो गर्मी में जो है कितना परेशानी होता है तो देखिए परेशानी को हम नहीं देखते थे हमें जो है क्लास रेगुलर करना था ठीक है हम बस इसीलिए एडमिशन लिए थे जो पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो नहीं पढ़ेंगे इसके लिए जो है यहाँ से डेली जो है साइकिल से जाते थे लगभग जो है पैंतालीस मिनट एक घंटा के आसपास जो है लगता था शॉर्टकट रास्ता से ठीक है तो हम अपने अनुसार जाते थे साइकिल से उठाते थे और उसके बाद जो है जाते थे तो आप लोग अगर बगल में कॉलेज है आप सभी का या कहीं दूर भी है तो कोई दिक्कत नहीं अच्छा ट्रेड मिला है तो रेगुलर क्लास कीजिए स्टडी कीजिए पढ़िए जिससे कि आप लोग को जो है आगे दिक्कत नहीं हो ठीक है कैंपस सिलेक्शन भी होता है कैंपस सेलेक्शन हो जाएगा तो अच्छी बात है नौकरी भी मिल जाएगा प्राइवेट में हो जाएगा क्योंकि कैंपस में जो है प्राइवेट में ही होता है सरकारी में जो है आपको डायरेक्ट फॉर्म भरिए एग्जाम फेज कीजिए तो एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ता है कंपटीशन निकालना पड़ता है तब जा करके के होता है और ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है नालंदा मेडिकल कॉलेज है बगल में ठीक है यहाँ पर तो ये जो है कंकड़बाग मेन रोड हो गया और आगे जो है बहादुरपुर पुल है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जाम भी देखने को मिलता है अभी जो है जाम नहीं है ठीक है तो देखिए दूरी से कोई लेना देना नहीं आप लोग पढ़िए यहाँ पर बगल में जो है ऑनलाइन सेंटर भी है ठीक है यहाँ पर जो देख रहे हैं बच्चे खड़े हैं तो ये सब जो है ऑनलाइन यहाँ पर एग्ज़ाम भी हो होता है एसएससी का एमटीएस का ये सब का जो है सेंटर है यहीं पर यादव टिम्बर है अगर कभी सेंटर आ, आपका पड़ता है तो यहाँ पर ही है और देखिए ये पुल चढ़ाना गर्मी में कितना मुश्किल होता है साइकिल से ठीक है तो यहाँ पर जो है देखिए लोग पैदल भी चढ़ाते हैं लेकिन हम जो है चला करके ही चढ़ा लेते हैं ठीक है तो थोड़ा परेशानी होता है लेकिन जो आप लोग को दिखाते हैं इसलिए दिखा रहे हैं जो आप लोग कह रहे थे जो ज़्यादा दूर है तो क्या करना चाहिए ठीक और ये देख सकते हैं राजेंद्र नगर पुल है ये जो है आप इधर देखेंगे तो राजेंद्र नगर जो है ये दिख रहा है जो राजेंद्र नगर है ठीक है तो यहाँ पर बगल में ही जो है राजेंद्र नगर ये देख रहे होंगे आप सभी राजेंद्र नगर जंक्शन है और ये पुल जो है बहादुरपुर पुल है इसको पार करते हुए जो है हम लोग स्टेडियम के पास ये जो निकलता है स्टेडियम के पास देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है बगल में जो है चौधरी इमेजिंग सेंटर है जहाँ अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह होता है और ये जो है आप सामने देख रहे हैं ये जो है आपका गोलम्बर है और इसी के बगल में जो है स्टेडियम है ठीक है तो यहाँ पर आगे चलेंगे तो आपको राजेंद्र नगर जो है ये सब राजेंद्र नगर के क्षेत्र में आता है ठीक है और ये यहाँ देख सकते हैं ये सब पार्क जो है रोड के बीचों बीच दोनों साइड जो है इस पार्क के बगल में रोड है और इससे ये साइड साइड जो है रोड है और बग... बीच में जो है पार्क बनाया गया है तो यहाँ से ये सब देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है साइकिल चलाने में जो है थोड़ा दिक्कत भी होता है रिकॉर्ड करने में देखिए यहाँ पर एक आएगा बाइक वाला सटा देगा तो ये सब जो है दिक्कत आती है तो आप लोग देखिए साइकिल हम चला रहे थे और रिकॉर्ड कर रहे थे ठीक है लेकिन जो है बाइक वाले तो अपना तुरंत तो लगता है जैसे हम क्रॉस काट जाएंगे इस तरह से चलाते हैं तो थोड़ा आप लोग अगर बाइक चलाते हैं तो अस्थिर से चलाइए आराम से चलाइए हरबड़ा करके कभी भी गाड़ी या कोई भी चीज़ हो नहीं चलाइए क्योंकि जो है आप सेफ़ रहिए अगला को सेफ रखिए वो ज़रूरी होता है ठीक है तो ये सब चीज़ जो है आप सभी ध्यान दीजिएगा कभी भी अगर चलाते हैं तो उसके बाद देखिए हम लोग जो है गांधी मैदान के पास जो है ये गांधी मैदान के पास है एग्जीबिशन रोड से जो है इधर से निकलते हैं तो ठीक है तो आप सभी को दिखा देते हैं यहाँ पर छोटा क्लिप उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है देखिए यहाँ से जो है आप एक मरीन ड्राइव देखे होंगे अभी पटना में जो है हाईलाइटेड है तो यहाँ पर से जो है रास्ता गया है मरीन ड्राइव का ठीक है तो आपको वो भी दिखा देते हैं देखिए यहाँ पर गोल घर के ठीक बगल से जो है रास्ता गया है तो ये जो है आपका बगल में जो है यहाँ पर गांधी मैदान के बगल में चिल्ड्रेन पार्क है ये जो देख रहे हैं सड़क के बीचों बीच में जो है चिल्ड्रेन पार्क है और यहाँ से लेफ्ट मोड़ने के बाद जो है हमारे पास जो है बाइक रहता था तो हम जाते थे इधर से ठीक है तो बाइक तो अभी आप लोग को बता ही दिए थे जो चोरी हो गया था और लेकिन पहले जो है साइकिल से ही जाते थे कॉलेज लगभग जो है छः सात महीना कॉलेज जो है गए थे साइकिल से ही तो आप लोग अगर दूरी हो तो कोई दिक्कत नहीं आप लोग को इसीलिए दिखा रहे हैं जो आप लोग कहीं भी मिले तो आप लोग ज़रूर जो है स्टडी कीजिए और देखिए यहाँ पर जो है ये जो देख रहे हैं इधर जाए जा रहा है रास्ता ये मरीन ड्राइव है ठीक यह है यहाँ देखिए ये जो कट मार्ग है यहाँ से जो है मरीन ड्राइव पर जाइएगा तो डायरेक्ट ये जो है पुल उतरता है कॉलेज के बगल में ठीक है कॉलेज के ऊपर से क्रॉस किया है, और कॉलेज के बगल में क्रॉस किया और अगर सीधे चले जाइएगा तो आप जो है जेपी पी सेतु पर भी इस पुल से जा सकते हैं और सीधे चले जाइए तो दानापुर भी जा सकते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है बगल में आपको गोलघर इधर जो है दिखेगा देखिए ये जो पेड़ है इससे थोड़ा छुप गया है लेकिन जो है आपको आगे देखने को मिलेगा गोलघर देखिए यहाँ ये यह जो कैंपस है ये बाउंड्री देख सकते हैं ये गोलघर गोलघर का हालत आप ही देख लीजिए जो काला हो चुका है एक जो है पेंट तक नहीं हुआ है इतना जो है अंग्रेज ज़माने में जो है सारा चीज़ कंप्लीट था लेकिन जो है आज के ज़माने में जितना टेक्नोलॉजी हो गया है लेकिन आजकल जो है पेंट तक नहीं कोई इंजीनियर करा पा रहे हैं इस पर सोच सकते हैं जो कितना पहले ज़माने में कितना कुछ सही था और आज के आज सभी लोग जो है स्वार्थी हो गए देखा जाए तो सभी लोग जो है स्वार्थी होते जा रहे हैं ठीक है आज के डेट में यही ज़्यादातर देखने को मिल रहा है तो आप लोग जो है स्वार्थी मत बनिए देखिए यहाँ पर जो है ये कुर्जी मोड़ से पहले जो है एक रास्ता कट होकर के जो है ये भी मरीन ड्राइव पे मिला है उधर से आ भी सकते हैं इधर से जा भी सकते हैं तो आप लोग को दिखा देते हैं इसलिए जो है आलसपन छोड़िए मेहनत निरंतर करते रहिए कहीं ना कहीं सफलता आपको मिलेगा ही ठीक है और जब तक सक्सेस के पीछे जब तक फेल नहीं हुई है तब तक सक्सेस भी नहीं मिलता है ये चीज़ जान लीजिए हम भी कई बार जो है हम भी सोचे हैं सक्सेस हो जाएंगे लेकिन कुछ कुछ जगह पे जो है हम भी फेल हुए हैं ऐसी बात नहीं है जो हम भी इतना कुछ किए हैं तो ये जो चैनल चला रहे हैं इसके पीछे जो है हम भी दो तीन चैनल चलाए थे उसका देखिए टाइमिंग जो है देख रहे होंगे आप सभी जो है साढ़े दस बजे के आसपास जो है हम जा रहे थे यहाँ पर जो है कुर्जी हॉस्पिटल भी है बगल में ठीक है तो फेल होने के बाद ही इंसान सीखता है अगर आप फेल नहीं होइएगा तो कुछ नहीं सीखने को मिलेगा अगर आपको सारा ऐसा आराम दे दिया जाए तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा क्योंकि आप सोचिएगा सब कुछ है ये हमारे पास तो हम क्यों करें ठीक है तो ये सब चीज़ मत सोचिए निरंतर मेहनत करने का प्रयास कीजिए ठीक है और यहाँ पर आगे जो है आपका कुर्जी मोड़ है यहीं पर बगल में और यहाँ पर बगल में जो है संत माइकल स्कूल था तो वहाँ पर जो है थोड़ा भीड़ रहता है ट्रैफिक रहता है जाम इस वजह से जो है कैमरा ऑफ करना पड़ा था उसके बाद देखिए ये जो पानी टंकी है यहीं पर जो है आगे जा के जो है आई टी कॉलेज है ठीक है तो आप सभी जो है देख लीजिए जो ये पानी टंकी जो है दिखेगा और उसके बाद देखिए पुल भी दिखा देते हैं आगे जो बोले थे पुल वो यहाँ पर देखिए ये जो है आगे पुल है और ये वोमेन आई कॉलेज हो गया आप लोग का और जो है इसके बगल में जो है इसका जो है लगता है पोस्टर हट गया इस बार यहाँ पर देखिए ये जो पुल देख रहे हैं यही है मरीन ड्राइव का पुल जो है आगे उतरता है ठीक है यहीं पर बगल में तो आप सभी जो है आकर के देख सकते हैं यहाँ पर जो पुल पर से आइएगा तो नीचे से क्रॉस करना होगा देखिए ये जो है कॉलेज का बोर्ड जो है अभी यहाँ पर आंधी तूफान में लगता है मोड़ दिया गया है ये देखिए जो है टूटा हुआ है अभी ठीक है तो हो सकता है ठीक होगा और देखिए इधर जो है हरा भरा दिख रहा होगा आपको तो यही जो है कॉलेज हो गया इधर ही जो है क्लास सब का चलता है और ये जो साइकिल देख रहे हैं ये जो है ऑफिस हो गया इधर बगल में और हमारा जो क्लास चलता था यहीं पर जो है बगल में इधर ही जो है क्लास है यहीं पर हमारा जो है क्लास यहीं पे चलता था ठीक है और देख सकते हैं क्लास में जो है टीचर बैठे हुए थे और जो है ये राजन चौधरी सर हैं इनका नाम जो है राजन चौधरी सर हैं ठीक है तो हम भी जो है क्लास में गए थे उसके बाद जो है कुछ बच्चे अभी जो है नए नए एडमिशन हुआ है तो आते हैं लेकिन जो है उनको सबको मॉपअप में जो है चेंज कराना चाह रहे हैं कॉलेज कुछ बच्चों से बात हुआ तो देखिए ये जो है मोल्डर ट्रेड है आप सभी देख रहे होंगे ये जो है बगल में ये मोल्डर ट्रेड है और उसका जो है ये सब चीज़ जो है प्रैक्टिस के लिए जो है रखा गया है ठीक है और देखिए आईटीआई कॉलेज में जो है यहाँ पर नाव मतलब पानी लग जाता है तो इसको पार करके ईटा जुगाड़ करके रखा गया है और जो है उसके बाद क्लास में जाना पड़ता है बारिश होता है तो ये जो है अंग्रेज़ जवाना का बना हुआ है कॉलेज तो थोड़ा पानी का जो है जमाव हो जाता है तो उसको जो है पार करके हम लोग क्लास में जाते थे ठीक है और यहीं पे बगल में जो है क्लास चलता है तो आप देख सकते हैं ये जो है ऑफिस हो गया आई का जो है ऑफिस यही है जो भी कार्य सम्पन्न होगा ये ऑफिस हो गया यहीं पर जो है सारा कार्य सम्पन्न होता है क्लास अलग अलग चलता है लेकिन ऑफिस यही है ठीक है तो आप लोग को ये एक दिखा दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे जो है आप लोग समझ जाइए यहाँ पर कल एक बच्चे गए थे जो पूछ रहे थे ऑफिस कहाँ है तो बगल में ऑफिस है उनको जानकारी नहीं था तो ये सब चीज़ जो है आप लोग देख लीजिए जैसे कि आई अगर दीघा में होगा तो आप लोग तो पता चलिए जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है पुल दिखा देते हैं यहाँ पर देख लीजिए पुल है और ये जो है गाड़ी लगा हुआ है और यही जो है मेन गेट जो छात्र निकल रहे हैं यही जो है इधर ही जो आप लोग का पढ़ाई होता है तो चलिए तो चलिए अगर इतना देर आप अगर वॉच किए हैं तो आप लोग को इम्पोर्टेंट मैसेज दे देते हैं ठीक है काफ़ी छात्र जो है आधे पे देखते हैं वीडियो और जो है चले जाते तो वो चले गए होंगे तो कोई बात नहीं उनका लॉस है आप लोग को कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट दे देते हैं तो देखिए सबसे पहले मोपअप काउंसलिंग की बात हम करेंगे तो मोपप काउंसलिंग जो है अभी जो है ऑफ हो गया है अब काउंसलिंग होना सेकेंड काउंसलिंग लेकिन मोपअप काउंसलिंग का जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे बी सी, -सी वेबसाइट पर तो ये हो सकता है जो है आपको अगले मंथ के जो है फर्स्ट वीक में जारी हो सकता है लेकिन जारी होगा तो हम हम सूचित कर देंगे आपको चैनल के माध्यम से चैनल पर जो है वीडियो अपलोड कर देंगे प्रोवाइड करा देंगे क्या क्या प्रोसेस होता है बता देंगे जो सर बताए जो हो सकता है अगले राउंड तक लेकिन सर भी कंफर्म सर भी कुछ नहीं कह सकते इसमें ना ही हम कुछ कह सकते हैं क्योंकि जो है नोटिफिकेशन जारी होगा ये बोर्ड के माध्यम से जारी होता है ठीक है तो यहाँ का जो है टीम जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हाँ अब जो छात्र का एडमिशन हो गया है वो चेंज कराना चाहते हैं उनके लिए क्या करना होगा तो उनको जो है जो रसीद मिला है एडमिशन स्लिप वो मिल जाएगा उसके बाद एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है ध्यान रखिएगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है आपको कॉलेज से लेना होगा पे आपका रोल नंबर मेंशन होगा और जो है आपका ट्रेड मेंशन होगा जो आपका डॉक्यूमेंट सारा जमा है ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक होता है पहले वीडियो प्रोवाइड करा दिए थे बोनाफाइड बोनाफाइड सर्टिफिकेट का तो उसको जा करके जो है देख लीजिएगा और एक रसीद आपको यहाँ से मिल जाएगा जो एडमिशन रसीद होगा और एक बोनाफाइड और वही ले कर के जो है जाना होगा और जाँच पर्ची फिर से जो है भरना होगा वहाँ पर बी बोर्ड या जहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा वहाँ पर लेकिन अब जो है सारा का जो है बी बोर्ड में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि ऑफलाइन हो जाएगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आपको जो है विलिंगनेस सबमिट करना होगा उसके बाद जो है आपको तो विलिंगनेस सबमिट होगा उसके बाद जो है रोल नंबर आपका आ जाएगा लिस्ट में ठीक है उसके बाद देख करके डेट बाय डेट सब कुछ पहले भी बता दिए हैं और फिर भी बता दे रहे हैं डेट बाय डेट जो है आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा तो आप सभी टेंशन मत लीजिएगा चैनल के संपर्क में रहिए तो आपको एक भी जानकारी मिस नहीं होगा बस मेरा यही कहना है जो आप लोग छोड़िए नहीं जब भी साल बर्बाद होता है तो ज़्यादा दिक्कत होता है ठीक है तो जो ट्रेड मिले अच्छा ट्रेड मिले तो आप लोग जरूर जो है एडमिशन लेकर के जो है स्टडी कीजिए और बिना स्टडी के जो है कुछ भी संभव नहीं है इसलिए जो है जब एडमिशन लेते हैं तो पढ़ाई कीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और नहीं तो जो है अभी अगर नहीं पढ़ाई कर सकते हैं तो एक साल बाद ले लीजिए एडमिशन फिर जो है इंट्रेंस वगैरह एग्जाम दे करके तो आप लोग को घबराइए नहीं जहाँ तक होगा अगर ज़्यादा रैंक भी है तो घबराइए नहीं एडमिशन जहाँ तक हुआ तो, हुआ तो हुआ नहीं होगा तो फिर से जो है अगला साल के लिए जो है अच्छे से तैयारी करके अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा ट्रेड लेने का प्रयास कीजिएगा ठीक है तो अभी जो है एडमिशन बाकी है आप लोग घबराइएगा नहीं कल भी एक छात्र मिले थे तो बोल रहे थे सर जो है आईटीआई आई करना चाहते हैं कैसे क्या क्या प्रोसेस होगा तो हम उनको अपना जो है चैनल दिए और जो है नंबर उनको दे दिए हैं तो आप लोग को जो है ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ वीडियो में बताते रहेंगे तो चैनल के संपर्क में रहिए बस यही है और जो है आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो कुछ जानकारी मिला हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है ठीक है रिकॉर्ड करना फिर एडिट करना बहुत सारा चीज़ है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपना ख्याल रखिए अपने परिवार का ख्याल रखिएगा जय हिंद जय भारत वंदे मातरम